कोटा नगर निगम द्वारा आयोजित किए जाने वाले दशहरे मेले की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। 3 अक्टूबर से मेले का भव्य आगाज होगा। सुबह 9 बजे आशापुरा माताजी मंदिर में पूजा होगी और 11 बजे निगम परिसर मंदिर में रामायण पाठ शुरू होगा। शाम 6 बजे श्री राम रंगमंच पर रामलीला का शुभारंभ होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक शांति धारीवाल, संदीप शर्मा, कल्पना देवी के साथ अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहेंगे। शाम को 7 बजे विजय श्री रंगमंच पर अभिनेत्री हेमा मालिनी दुर्गा नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी, जिसके लिए भी हेमा मालिनी को लाखों रुपए का भुगतान किया गया है। 8 अक्टूबर को राम बारात का आयोजन होगा, जिससे सर्व समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप समय की बात कर रहे हैं, मेले में हमने उनसे आग्रह किया डीएम साहब से कि सब व्यापारी दुकान खोल के बैठा रहे और ग्राहक नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जब तक ग्राहक आता तो दुकान खोलता है आदमी। मेला परवान 9 बजे बाद चढ़ता है, आदमी अपनी ड्यूटी निपटा के आता है, घर से नहा धो के आता है, 9:30 मेले में पहुंचता है। कम से कम इसको 1 बजे तक का समय करें और मेला परिसर को उन्होंने निर्देश प्रदान किए, मेला परिसर को शहर से अलग करें। ये आयोजन है, इसका समय की सीमा से इसको न मानें। बहुत सारे नए नवाचार हम करने जा रहे हैं अपनी बात, और हमने जो एक बार एक शाम शहीदों के नाम हमारा एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, लाफ्टर शो वाला कार्यक्रम हमारा एक नया होने वाला है, मोटिवेशनल प्रोग्राम होने वाला है। अब की बार हमने जो शहर के शौकीन लोग हैं, जो सिंगर गायन की अपनी कला दिखाने की रुचि रखते हैं लेकिन प्रोफेशनल नहीं है, उन लोगों को भी हमने 1.5 घंटे बचकर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है।